जिसकी जिंदगी में समझ है, विवेक है, उसकी जिंदगी धन्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, इसी का नाम जीवन है। माता पिता के सहयोग से जन्म होता है, लेकिन मृत्यु बिना किसी के सहयोग के हो जाती है। किसी चीज का निर्माण करना हो तो सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन उसे बिगाड़ना हो तो सहयोग की जरूरत नहीं है, मृत्यु अपने आप हो जाती है। उसमें माता पिता मदद नहीं करते, तुम्हारा गला नहीं दबाते मरते समय कि जब तक मैं दबाऊंगा नहीं गला, मारने मदद नहीं करूंगा तू मरेगा भी नहीं, कुछ नहीं करते। वो तो बचाना चाहते फिर भी तुम मर जाते हो। लेकिन मरता है तो कौन मरता है, जन्मता है तो कौन जन्मता है। जन्म भी होता है तो शरीर का जन्म होता है, इस आत्मा का जन्म नहीं होता, रूह का जन्म नहीं होता, जिसको इस्लाम में रूह कहते हैं, हिंदुओं में आत्मा कहते हैं, कबीरपंथी जिसको जीव कहते हैं, जीव का जन्म नहीं होता है, ये शरीर केवल जन्म लेता है। और जगत का शाश्वत नियम है कि जो जन्म लेता है वही मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो सृजित होता है वो विसर्जित होता है, जो बन नहीं सकता वो बिगड़ नहीं सकता, जो जन्म नहीं ले सकता वो मर भी नहीं सकता, जो मर नहीं सकता वो जन्म भी नहीं ले सकता। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्यः शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते, ये आत्मा न मुसलमान है न हिंदू है, ये आत्मा न सिखाई है न ईसाई है, न सिख है, न जैन है, न यहूदी है, न पारसी है, ये आत्मा जाति पाति मद मजहब से पार है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका तो एक ही रूप है। ये आत्मा जहां रहता है वहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करता है, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है। शरीर में आंख रहती है, कान रहते हैं, मुंह रहता है, जीभ रहती है, हाथ पैर रहते हैं, लेकिन केवल आत्मा नहीं रहता है। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है, और आत्मा न होने पर, जीव न होने पर, रूह के निकल जाने पर ये आत्मा नहीं है। इसलिए आंख है पर देखती नहीं है, कान है पर सुनते नहीं है, जीभ है पर बोलती नहीं है, मुंह है पर कुछ चबाकर खाता नहीं है, हाथ पांव है पर चलते फिरते नहीं है। याद रखना, जब आत्मा इसके अंदर विराजित रहती है तो आंख देखती भी है, मुंह बोलता भी है, और कान सुनते भी हैं। तो इस शरीर का सारा अस्तित्व कौन है, वो आत्मा है, जीव है, रूह है, और यही मेन तत्व है जो इस शरीर को जिंदा रखता है, और ये जिंदा रखने वाले तत्व का नाम ही आत्मा है। और आत्मा जब पवित्रता को प्राप्त करता है, परम कार्यों में लग जाता है, तो इस आत्मा को ही परमात्मा का स्थान दिया जाता है। बड़ी मजे की बात है बाबा जी, क्या ढूंढ रहे बने बन, घट घट में समाया है। एक बेचारा कहता है कि मंदिर में भगवान है तो बाकी जगह कौन है, और मस्जिद में अल्लाह है तो बाकी जगह पर कौन है, वहां कौन है, क्या जंगल में ढूंढ रहे हो। कबीर से किसी ने पूछा कि साईं कहां रहता है, तो कबीर का उत्तर दिल को छूने वाला उत्तर है। कबीर कहते हैं, ज्यो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग,
तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते हैं यदि माया की नींद से जाग जाओगे, मोह की नींद से जाग जाओगे, तो तुम्हारा साईं तुम्ही में मिल जाएगा। और माया मोह नींद में सोए रहोगे तो न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा। चाहे जितना जंतर मंतर बोलते रहो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंत्र बनाने वाला भी तो आदमी है, ये मंत्र जंतर तंत्र। खूब मंत्र बनाओ, ही हो हा हो मो भी हाँ, सब चाहे जिस भाषा में बोलो, तुमको पता भी नहीं कि तुम जितनी भाषा बोलते हो, तुम्हारी भाषा कोई भगवान समझता है। तुम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी और खरबी जो भी बोलो, वो समझता है कि नहीं समझता? तुम कहाँ गुजराती बोलते जा रहे हो, हैया रे दैया रे वहाँ वहाँ तो भाव की पहचान है, भाषा का कोई मूल्य ही नहीं है। फालतू इली ला उली ला और इधर ला उधर ला, ओम नमः शिवाय गणपति गंगवाय कहाँ से भाषा बोल रहे हो? मैं तो जब देखता हूँ लोग मंत्र जंत्र पढ़ते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है। फालतू बोल रहा है, ये तेरी भाषा वो समझता भी है कि नहीं? इस बात को तू समझ पहले। जहाँ सब भाषाओं का अंत हो जाता है, जहाँ पर केवल भाव ही भाव रह जाता है, वहीं पर आत्मा जो है परमात्मा के रूप में बदल जाता है। जहाँ प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, सेवा का भाव है, सहनशीलता का भाव है, गम खाने का भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव है, वहीं भाव के अंदर से ही परमात्मा प्रकट होता है, आत्मा रूपी परमात्मा दिखाई देता है। ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब जागने की बात कह रहे हैं। जागना है, किससे जागना है, कब जागना है, कैसे जागोगे? माया की नींद से जागना है, मोह की नींद से जागना। उम्र बढ़ने के बाद शरीर की नींद कम हो जाती है, बहुत से लोगों को नींद आती नहीं है। बचपन में नींद जाती नहीं है, अज्ञानी की नींद जाती नहीं है, और जो अज्ञानी भी नहीं है वो ज्ञानी भी नहीं है, उसको नींद आती भी नहीं। नींद दो ही को आती है, खूब आती है, या तो ज्ञानी को नींद आएगी और यह अज्ञानी को नींद आएगी। जो अज्ञानी है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा है, वो बहुत सोएगा, और जो ज्ञानी है वो समझ गया जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, वो भी सो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में फंसा है, तो वो नहीं सो पाता है, उसको फिर नींद नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती है, पर कबीर कहते हैं जागो। तो किस नींद से जागना है? शरीर की नींद से जागने की बात कबीर नहीं कह रहे हैं, कबीर मन की नींद से जगाना चाहते हैं। मन की नींद, धन की नींद, मोह की नींद, लोभ की नींद, काम वासना की नींद, क्रोध की नींद, अभिमान की नींद, बहुत सी नींदों में सोया हुआ है जी। कठोपनिषद के ऋषि ने भी कहा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत छुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती, कि हे साधक, ज्ञान का मार्ग छुरे की तेज धार के सदृश मार्ग,
इस ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत कठिन, जैसे छुरे की धार पर चलना कठिन है। छुरे की धार पर चलो तो कट जाओगे, ऐसे ज्ञान का मार्ग है। इसलिए विवेकानंद इस सूत्र का बहुत प्रयोग करते थे। कठोपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठित माने उठो, कहां कहां तुम बुराइयों में बैठ गए हो, कहां कहां तुम अवगुणों में बैठे हुए हो, वहां से उठो। पहले उठने को कह रहा है ऋषि उत्तिष्ठित, फिर कहता है जागृत, जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। तुम बेहोश हो, मूर्छित हो, और होश में कौन ला सकता है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो उनको होश में कौन लाया था? सुषेण वैद्य। और वैद्य कौन होता है? डॉक्टर होता है। और डॉक्टर कौन होता है? जो दवाई देता है। दवाई देता वो कौन होता है? वैद्य होता है। वैद्य कौन होता है? वही डॉक्टर होता है। फालतू बात सोचो।